गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ न्यू ज्योति एकेडमी। टुडे एसएसटी क्लास, प्लीज ओपन द बुक्स पेज नंबर 53 to 61। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कसेस टाइप ऑफ क्रॉप्स। इन अंडर टाइप ऑफ क्रॉप्स वी हैव डिस्कस्ड कैश क्रॉप, फाइबर क्रॉप एंड फूड क्रॉप। ठीक है, टुडे इज द लास्ट ऑफ कैश क्रॉप। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैश क्रॉप एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो कैश क्रॉप, व्हाट डू यू मीन बाय कैश क्रॉप? कैश क्रॉप का मतलब होता क्या है? ठीक है, कैश क्रॉप का मतलब होता है एनी क्रॉप व्हाट एवर यू ग्रो दैट इज यूज फॉर, हम लोग खाने के पर्पज में भी यूज कर सकते हैं एंड दैट कैन यूज फॉर ट्रेड पर्पज। मीन्स वेयर वी कैन सेल एनी क्रॉप दैट इज यू दैट इज ग्रो फॉर सेलिंग पर्पज दैट कम्स अंडर कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप का एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका शुगर के। ठीक है, शुगर केन आप लोग जानते हैं, जिसको हम लोग ईख बोलते हैं या इन लोकल लैंग्वेज ईख बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका शुगर केन? इट इज ए काइंड ऑफ ग्रास, है एक तरह का घास का प्रजाति है। ठीक है, उसका क्या होता है, थिक स्टीम होता है उसका, जो होता है स्टीम जो होता है, तना जो होता है उसका मोटा होता है, थिक होता है। ठीक है, इसकी जनरली हाइट होती है 3 to 4 centimeters। ठीक है, इट इज ग्रोन इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर शुगर केन प्रोडक्शन। आपका हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज गुड फॉर शुगर केन। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, लेबर एंड वेल ड्रेन सॉइल। इसके लिए क्या चाहिए, जो जमीन चाहिए वो प्लेन चाहिए एंड आल्सो वेल ड्रेनेज सॉइल। बस वहाँ पे जो है गीला मिट्टी भी नहीं होना चाहिए और उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एंड इट इज बेस्ट इन ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक रीजन। जनरली ये ग्रो कहाँ किया जाता है, आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, इट इज ग्रोन इन ब्राजील हो गया आपका, इंडिया हो गया आपका, एंड आपका पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है। ठीक है, नोएडेस ऑलमोस्ट इन ऑल कंट्री इट इज ग्रोन। ठीक है, तो क्या हो गया, कैश क्रॉप काइंड ऑफ ग्रॉस ग्रास हो गया। इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, लेवल चाहिए, लेवल लैंड चाहिए एंड वेल ड्रेनेज सिस्टम चाहिए आपका ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक रीजन में ये ग्रो किया जाता है। और ये आपका ब्राजील, इंडिया एंड अदर कंट्री में पाया जाता है। सो इन अदर वन वी हैव टू डिस्कस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या है, हम लोग कैसे एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं, देर आर डिफरेंट वे। सो फर्स्ट वन इज आपका है इंक्रीज लैंड कल्टिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द लैंड कल्टिवेशन। सपोज कीजिए कि हम लोग 10 हेक्टेयर लैंड में कल्टिवेट कर रहे हैं कुछ भी चीज़, तो क्या करना, इसको इंक्रीज करके 20 करना है। देयर आर सो मेनी बैरन लैंड इज देयर, सो वी हैव टू यूज दैट लैंड आल्सो। तो इंक्रीज करना है हमको लैंड कल्टीवेशन एरिया का। सेकंड वन है आपका ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन लैंड, पर्टिकुलर लैंड वी हैव टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप। सो वी कैन इंक्रीज द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंक्रीज द कल्टिवेशन, वी कैन इंक्रीज द क्रॉप आल्सो। ठीक है, इन अ ईयर इफ यू आर ग्रोइंग ओनली राइस, तो होल ईयर तो आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। आप वन ईयर में आपका 3 months, इट टेक्स 3 या 4 months टू ग्रो ए राइस, तो आपका 8 months तो आपका रिमेन रह गया, खाली रह गया। उसके बाद उसके जगह पर आप वीट कर सकते हैं और अदर क्रॉप यूज कर सकते हैं। तो वी हैव टू यूज द लैंड फॉर मोर देन वन क्रॉप। आपका इरीगेशन फैसिलिटी क्या है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। वी हैव टू पंप होना चाहिए आपका, आपका रिवर होना चाहिए, कनाल होना चाहिए, सो वी कैन ग्रो द एग्रीकल्चर। आपका हाई इल्ड वैरायटी सीड्स वी हैव टू यूज, मिस मॉडर्न डेज वैरायटी टाइप ऑफ सीड यूज करना चाहिए। दैट वो क्या होता है, इफ यू आर यूजिंग हाई इल्ड वैरायटी सीड्स तो क्या करता है, कंपेयर टू अदर सीड्स इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, और क्या है, यू हैव टू यूज ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द लैंड, इंक्रीज द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, देयर आर 1, 2, 3, 5 इज देयर। So in this chapter there is one thing also mentioned, a farm in the United States of America. तो इसके बारे में कुछ है, you can open page number 58। इसमें क्या है, अमेरिका में क्या है, जनरली क्या है, 2 या 3% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, अमेरिका में क्या है, ओनली 2 या 3% लोग जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, बट इन इंडिया मोर देन 70% डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। द रीजन इज दैट इन अमेरिका में क्या है, ये यूज करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी करते हैं, वहाँ का जो आपका लैंड का एरिया होता है छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा फार्म होता है। मिनिमम आपका
मिनिमम आपका 100 to 300 हेक्टेयर इन यूएसए फार्मिंग इज डन। ठीक है, वहाँ पर हाई क्वालिटी सीड्स का यूज किया जाता है, प्लांट ब्रीडिंग यूज किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े से बचने के लिए कंट्रोल पेस्ट एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स एंड टूल का यूज करते हैं। ठीक है, कंपेयर टू इंडिया। दैट्स फॉर टुडे क्लास, दिस टॉपिक इज ओवर, मेजर क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दिस टॉपिक इज ओवर। देयर आर सम क्वेश्चन इज देयर, प्लीज गो थ्रू द ऑल द वीडियोस, 2 or 3 वीडियो विल बी देयर ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस चैप्टर, सो गो थ्रू वन बाय वन एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, दैट्स फॉर टुडे क्लास, बी सेफ, थैंक यू।